अस्सलाम वालेकुम, एक सिंपल सी खिचड़ी की रेसिपी के साथ हूँ। यहाँ मैंने हाफ कप राइस और हाफ कप मसूर की दाल, जो रेड वाली दाल होती है, वो ली है। उसे मैंने तकरीबन हाफ आवर आधे घंटे के लिए सोक कर दिया था। और अब जो है ये दाल अच्छी तरह सोक हो चुका है, ये देखें इस तरह हो जाएगा। और फिर इससे मैं अब खिचड़ी बनाऊँगी। खिचड़ी के लिए एक पैन में और थोड़ा सा जस्ट 2 टेबल स्पून ऑयल आप ऐड करें। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें कुछ साबित गरम मसाले ऐड कर दें, तेज़पात, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, इस सब चीज़ें ऐड करके थोड़ी देर इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें। और इसमें अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून ऐड कर दीजिए। और इसको इसमें हल्दी जो है वो भी आप तकरीबन 1 टीस्पून ऐड करके इसे थोड़ी देर कुक करना है। और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब कुटी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। कुटी मिर्च ऑप्शनल है, इससे जो है आपकी खिचड़ी थोड़ा सा चटपटा मज़ेदार बन जाएगी। और फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके इस मसाले को आपको बहुत अच्छी तरह भूनना है। और फिर पहले से भिगोए हुए दाल और चावल को इसमें ऐड कीजिए और थोड़ी देर मसाले के साथ इसे मिक्स कर लें। उसके बाद मिक्स करने के बाद आप इसमें नमक ऐड कीजिए। नमक जो है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होना है। पानी ऐड करें इतना कि बस ये सोक हो जाए अच्छी तरह। और उसके बाद कवर कर दें। कवर करने के बाद इसे आप पकाएं अच्छी तरह। जब पक जाए, सॉफ्ट करना है क्योंकि मैं ये पतली वाली खिचड़ी बना रही हूँ। और बस प्याज का एक ज़बरदस्त सा बघार रेडी करें। और बस ये आप बघार लगाएं। और मेरे पास फाइनल लुक नहीं था, मैं भूल गई उसका क्लिक लेना। और बस ये खिचड़ी आपका बिल्कुल डन है। चटनी, अचार, रायते के साथ इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।